चिछ्णा चिछ्णा हरे कृष्ण अध्याय अद्यायपन्द्र श्लोक संख्या बीस गुह्यतम शास्त्रम

एतद् बुद्ध बुद्धिमान कृत श्रीमद श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय पंद्र श संख्या बीस गुह्य तमाम शास्त्र मेंद एतद् मैं नघ एत बुद्ध बुद्धिमान भारतम <laughs> शास्त्र मेंद मुक्त मैं नग

हरे कृष्णा प्रभु इति शास्त्रम इदम् उत्तम मयानगा ये तत्त्वद्वाबुद्धिमान्स्यात् कत्क्रत्य हरे कृष्ण प्रभु और कौन पढ़ रहे थे पढ़िए इति शास्त्रम इदम् उत्तम मयानगा ये तत्त्वद्वाबुद्धिमान्स्यात् कत्क्रत्य अच्छा हरे कृष्णा प्रभु good बात है सी

हरे कृष्ण प्रभु जी इति गुयत तो मुन शास्त्रम इदम उक्तम मया नगा इतर बुद्ध बुद्धि हरे कृता कृष्ण ओके okay. और कोई पढ़ेंगे नहीं नन ठीक है सो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इति शब्द गुह्यतम सर्वाधिकगुप्तशास्त्र शास्त्र प्रकट किया प्रकट किया गया मया मेरे द्वारा अनघे एतत यह बुद्धवा समझकर बुद्धिमान बुद्धिमान श्यात हो जाता है कृत्य कृत्य अपने प्रयत्नों में परम पुत्र पूर्ण च तथा भारत हे भरत पुत्र अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्ति विदान स्वामी शिला प्रपात के द्वारा जगत गुरु शिला प्रपात की ज शिलाप्रपात अनुवाद में लिख रहे हैं क्या हे अनग्ञ यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने प्रकट किया है जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे जगत गुरु शिला प्रपात की आए, थोड़ा इसके संस्कृत को देखते हैं हरे तो ये पुरुषोत्तम योग अध्याय पंद्रह का अंतिम श्लोक है नहीं? भगवान लिख रहे हैं यहाँ पे इति तम शास्त्र इदम यह इति यह जो गुह्यतम शास्त्र मैंने तुमको बोला कौन सा शास्त्र एक प्रश्न यहाँ बताइए तीन लोगों का कौन कौन इनके साथ एग्री करते हैं जी yes. जी प्रभु, जी प्रभु जी. क्या लग रहा है श्रेया माता जी हम्म आज व्हाट वोट यू थिंक अनु माता जी क्या लग रहा है आपको हम्म कौन सा हम्म कौन सा तीन मतलब कौन सा शास्त्र अच्छा कर्म योग भक्ति योग गॉड वेरी नाइस ये तीन श्लोकों का ध्यान रखिए बहुत अच्छा कहा ठीक है जो तीन श्क स्लो, तीन श्लोक यहाँ पे बोले भगवान कौन सा कौन सा सोलह सत्रह अठारह ठीक है ये नहीं सोचना चाहिए पूरा गीता के बारे में बताना नहीं केवल इन तीन श्लोकों की बात कर रहे हैं यह जो गुह्यतम शास्त्र इदम उक्तम मयानगा यह जो मेरे द्वारा कहा गया क्यों कहा गया क्योंकि तुम अनग, अनग मतलब अग मतलब पाप अग मतलब पाप और अनग मतलब पाप रहित गुह्यतम कहने का अर्थ यही है इसका देखिए कि व्यक्ति जो व्यक्ति योग्य नहीं हो उस व्यक्ति को यह ज्ञान यह शास्त्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए वह समझ नहीं पाएगा एतद बुद्धवा इसको समझ करके व्यक्ति बुद्धिमान होता है और बुद्धिमानस्य कृत कृत्य भारत वह जो भी साधन करता है क्या कहते हैं एतद बुद्धवा जो इसको समझता है वह बुद्धिमान होता है बुद्धिमान और कृत कृत्य भारत वह जो साधन करता है उसमें सफल होता है कृतकृत कृत मतलब समझते हैं आप लोग कभी कहे आज तुम्हें तो कृतकृत हो गया सफल हो गया समझ रहे सफल हो गए क्यों सफल हो गए क्योंकि उसका कंसेप्शन ठीक रहा क्या कंसेप्शन भगवान कौन है मैं कौन हूं मुझे क्या करना है जब क्लियर हो रहा तो अब वह भगवान के आशीर्वाद से भक्ति ठीक से किया सही कंसेप्शन सही धारणा के आ, सही सही कंसेप्शन सही धारण के संग किया और भगवान की कृपा से उसे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को मनुष्य मानता है मतलब साधारण मनुष्य मानता है साधारण मानता है उनको किन किन क्षेत्रों में विफलता प्राप्त होती है सिद्धि किसी भी प्रकार की मुक्ति वह नहीं पा सकता वह भगवान का धाम जाएगा नहीं स्वर्ग भी नहीं जा पाएगा तो आप देख रहे हैं कंसेप्शन धारणा का कितना बड़ा महत्व है इसलिए फिलॉसफी सुनना बहुत जरूरी है है ना भगवान बोले जो मुझे साधारण समझता है उसको क्या क्या है मोघा मोघासा मोघ कर मोग विचेत सह राक्षसिम आसुरिम चेवम, प्रकृतिम मोहिनीम आश्रित याद है ना जो भी व्यक्ति भगवान को साधारण मनुष्य समझता है मोघ सा एकदम ठीक है, ओके, हे hey अनक वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्तांश है जिसे मैंने अप्रकट किया है जो कोई समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे कितना सुंदर बात है देख कितना सुंदर बात है इसलिए इसे समझना चाहिए एक जगह प्रपा जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि जो व्यक्ति गुप्त उद्देश्य लेकर के बैठा है कौन सा उद्देश्य गुप्त उद्देश्य व्यक्ति गुप्त उद्देश्य लेकर के आया है समझिए इस बात को बहुत ये बहुत ही मैंने बोला था पहले बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो व्यक्ति गुप्त उद्देश्य लेकर के बैठा है वह कभी कृष्ण भावना के भावना को भावना के संदेश को समझ ही नहीं सकता है नैवर ठीक है हम कितने तमोगन में हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हमने मतलब सीरियसनेस हमें कितना सीरियसनेस है भक्ति के प्रति भगवान के प्रति भगवान का भक्त बनना है इसके प्रति हम कितना सीरियस हैं कितना ईमानदारी से भक्ति करनी है जब हम यह जानते हैं तब जाकर भगवान अंदर से इसकी समझावट देते हैं धोखा कोई कर रहा है ध्यान रखिए धोखा कोई कर रहा है तो केवल अपने ही वह धोखा करता है वह तो कुछ समझ नहीं पाएगा ऐसे बातें बोलना नहीं चाहिए लेकिन हमने देखा है कि कुछ लोग मंदिर आते हैं इसको ज्वाइन करते हैं और उनका उद्देश्य भक्ति करना नहीं होता है परम पूज्य अनंत कृष्ण महाराज सुना रहे थे ना कि एक मथुरा का व्यक्ति था वो जूहू ज्वाइन कर रहा था जूहू अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे अमेरिका भिजवा देंगे महाराज ने कहा अमेरिका क्यों जाएंगे आप वृंदावन में रहिए मैं वृंदावन मंदिर में रिकमेंड कर देता हूँ बोले मुझे अमेरिका जाना है बस सोचते हैं कि मैं यहाँ से कुछ पैसा कमा लू और कर क्या जाते हैं क्या कर लेते हैं पैसे भी मिल जाते हैं ठीक है पैसे मिल भी जाते हैं और सोचते हैं कि हम हीरो बन गए ऐसे बातें बोलना नहीं चाहिए पर होते हैं उनका पहला उद्देश्य यही होता है कि हम पैसा कमा लें या फिर हम अमेरिका पहुंच जाएं या फिर हमको मंदिर में कोई अच्छा पोस्ट मिल जाए तो उनका उद्देश्य भगवान को समझना नहीं होता है या फिर कैसे मैं शॉर्टकट में किसी मंदिर का प्रेसिडेंट बन जाऊं कैसे कि किसी कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो उसके प्रचार क्षेत्र में जाऊं और उसको परेशान करूं समझ रहे थोड़ा पावर दिखा करके थोड़ा ये करके थोड़ा वो करके कैसे मैं परेशान करूं कैसे पॉलिटिक्स करूं ये सारी चीजों पे ध्यान देता है ध्यान रखिए ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपका उद्देश्य क्या है भक्ति में आने का ठीक है भगवान की सेवा या स्व सेवा इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा समझ रहे हैं बस वह एक ही मन बन बना करके बैठा है बहुत सारे ऐसे भक्त लोग होते हैं वो रहेंगे और देखेंगे कि अरे कहाँ पे कौन प्रचार कर रहा है ठीक है अब मैं जाऊँगा वहां पे धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स करते हैं फिर जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है उसको साइट मैं बनूंगा मैं करूँगा प्रचार ठीक है आप करो आपको मना ही नहीं है लेकिन ध्यान रखना चाहिए सारी चीज़ों की परम परमपुज वृंदावन जन महाराज से पूछा गया कि क्लैसिंग क्यों है क्लैसिंग हो रही है ना भाई एक जगह दो स्कॉन छोटे छोटे शहरों में क्यों हो रहे हैं मतलब क्यों या फिर कोई और कर रहा है तो उसके पीछे कारण यही है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा जरूर है महाराज ने बहुत सुंदर बोला उसमें महत्वाकांक्षा जरूर है इसीलिए एम ई बना करके यही आया है कि उसको हटा दूंगा मैं करूंगा है ना तो बस राजनीति करके हटा देना है फिर ठीक है लेकिन भगवान इसमें क्या है ध्यान रखना चाहिए ठीक है आप हटा भी सकते हैं लेकिन फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर पीछे हो जाएंगे है ना क्योंकि इसे क्लास में रुचि नहीं होगा उसका उद्देश्य कुछ और है भक्ति में रुचि नहीं है ध्यान रखिए अनर्थों का कोई मतलब नहीं है ठीक है अनर्थ है अगर वह उन अनर्थों से निवृत्ति होना चाहता है निवृत्त होना चाहता है तो भगवान मदद करेंगे लेकिन कोई धोखेबाजी करना चाहता है तब नहीं कुछ स्वीकृति मिल जाएगी स्वीकृति मिलेगी लेकिन उसे कोई सिद्धांत नहीं समझ में आएगा इसलिए बहुत गंभीर होकर के हम भक्ति करेंगे तो समझ समझ पाएंगे है ना कब जब हम भक्ति करेंगे गीता का मेरा खाली कहने का यही है कि भाई कोई मतलब गुप्त रहस्य नहीं होना चाहिए इसको एंजॉय करने का भक्ति करने का ठीक है कुछ लोग आते हैं अरे इस ग्रुप में बहुत सुंदर सुंदर माता जी लोग हैं चलो वहां जाएंगे फिर उनका एम क्या होता है यू नो तो ंग्स आर नॉट गुड आप सावधान होकर के भक्ति करिएगा ठीक है ध्यान रखिएगा कि आपका एम क्या है और हमारे ग्रुप में अगर ऐसा कोई एम है तो आप जानते हैं कि वो टीक नहीं सकता है ठीक है दिस इज नॉट अलाउड हियर एट ऑल कुछ लोग आए थे मेरे पास प्रोजी ऐसा करते वैसा ऐसा डोनेसन इकट्ठा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे ठीक है अब भक्ति करिए भक्ति करिए कुछ दिन रहे प्रोजी मुझे वो वो बुला रहे है मैं वहाँ चला जाता हूँ ठीक है अरे कृष्णा तो आप समझ रहे हैं ऐसी स्थिति होती है लेकिन आप अपना उद्देश्य क्लियर रखिए भक्ति करनी है या क्या करनी है इस ज्ञान को अयोग्य व्यक्ति के समक्ष प्रकाशित नहीं किया जाता है यह कहने के लिए भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं क्यों गुह्यतम बोला है क्योंकि व्यक्ति क्यों ये, ये को नहीं बोलना चाहिए गुह्यतम भी क्यों है क्योंकि इसे जानकर जीव मुक्त हो जाएगा अब अगर किसी को बोलेंगे वह सुनेगा नहीं तो फिर तो और अपराधी हो जाएगा ना इस प्रकार संक्षेप रूप से पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तत्व निरूपक इस त्रिश्लोकी शास्त्र को मेरे परम भक्त तुमको मैंने यह ज्ञान कहा पुरुषोत्त पुर्शो, पुरुषोत्तम तत्व निरूपक का अर्थ हुआ भगवान कृष्ण ही इस बात को स्थापित करते हैं यह तीन श्लोक यह बात बोल रहे हैं हे निष्पाप तुमको अपात्र को यह नहीं ज्ञान नहीं देना चाहिए जो तुम्हारी तरह शुद्ध नहीं है यह बहुत महत्वपूर्ण है मान लो प्रश्न हो कि प्रोजी या फिर हम प्रचार ही नहीं करें हम्म जी प्रचार करना चाहिए लेकिन जो इच्छा हो उनको ठीक है कल हम लोग पुनः गए थे गीता डिस्ट्रीब्यूशन में यू you नो know? कल हम लोग नहीं आए थे क्लास नहीं हो रही थी कल गीता डिस्ट्रीब्यूशन में गए तो मैंने देखा अभिषेक प्रभु एक व्यक्ति को गीता देने जा रहे थे और वह व्यक्ति ठीक है जाइए जाइए मैं सोचा प्रभु कृपा करो इसके ऊपर कभी कभी क्रोध लगता है कि भाई इतने एटीट्यूड में क्यों बैठे रहते हैं वी आर ऑल्सो ह्यूमन ठीक है शरीर में इतना एटीट्यूड में नहीं कभी कभी तो है ना लेकिन ध्यान रखना चाहिए खैर आप आप अगर आप अगर लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत शालीनता के साथ ठीक है हरे कृष्णा बोल करके निकल गए पता नहीं मैं होता तो शायद कुछ बोल देता जिस तरह से उनका रवैया था लेकिन अगर हम बाहर जाएं भक्ति कर रहे हैं तो फिर ध्यान रखना चाहिए लेकिन हाँ ठीक है ऐसे लोगों को प्रीचिंग नहीं करना उन्होंने अच्छा किया उनको कुछ नहीं बोला फिर भी एक दिन में चार की पाँच गीता उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया दैट इज अग डिल है ना तो जो सुनने के लिए तैयार हो उनको ही प्रीचिंग करना चाहिए जो सुनने के लिए तैयार ना हो उनको प्रीचिंग नहीं करना चाहिए ठीक है तुम्हें तो जो करना करूँ नहीं कर नहीं कर सकता क्यों फायदा उनको क्योंकि वह सुनेगा नहीं और उल्टा अपराध करता जाएगा भगवान के प्रति और उल्टा अपराध करता जाएगा तो इसलिए बेटर है भाई तू मत सी मती सुन वही ठीक है समझ रहे ना नहीं सुन रहा है वही ठीक है उसके लिए तू मत सुन तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए इस ज्ञान को समझकर व्यक्ति को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और उसे साक्षात अनुभव प्राप्त होता है समझ में आ रहा है शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण से जीव का संबंध भक्ति रूपी अभिदय और प्रेम रूपी प्रायोजन उसे सब समझ में आ जाता है ठीक है और जब वह भक्ति करता है उसे भगवान की कृपा से सब अनुभव भी होता है जो व्यक्ति अच्छे से जब कर रहे होंगे उसे थोड़ा बहुत कुछ कुछ अनुभव तो जरूर होता होगा गारंटीड है तो इस प्रकार परम भगवान इस संबंध में जो ज्ञान है उसकी प्रशंसा इस श्लोक में की जा रही है पंद्रहवें अध्याय में हम यह सीखते हैं कि वह व्यक्ति जो बद और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों से अलग है जो दोनों का आधार है और दोनों से श्रेष्ठ है वह भगवान श्री कृष्ण है ठीक है यह सार है कौन भगवान श्री कृष्ण समझ गए तात्पर्य पढ़िए तात्पर्य उपाध बता रहे हैं भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए जब कुछ समझ में नहीं आए ध्यान रखिए तो सीनियर भक्तों से पूछ लेना चाहिए किसका अर्थ क्या है और एक साधु का स्वभाव होता है वह कुछ भी सुनते हैं तो वह दो तीन भक्तों से पूछते हैं पढ़ते हैं ताकि बात एकदम क्लियर समझ में ठीक हो जाए ठीक है और फिर हम दूसरों को ठीक ठीक समझ पाए इसको हम अगले अध्याय में समझेंगे अपनी टीका नहीं करनी चाहिए मतलब हमें अपने मन से नहीं बोलना चाहिए अगर नहीं पता है तो बोल दीजिए नहीं पता है क्या दिक्कत है कुछ लोगों को अरे बोल दूंगा तो क्या बोलेंगे लोग कहाँ से आया इसको कुछ पता ही नहीं है ठीक है उसको बोलने दीजिए कम से कम उसका पतन तो नहीं होगा ना हा? और ध्यान रखिए कदाचित कुछ गलत निकल गया तो उसे में नेक्स्ट टाइम स्वीकार कर लेना चाहिए और जो अच्छा चीज है उसे स्वि... बता देना चाहिए जो सही है कई बार हमारे हमने गीता क्लास में किया भाई ये इस तरह से समझा नहीं, नहीं ये इस प्रकार से होगा इसको समझिए इस प्रकार से तो समझना चाहिए उसे कोई बुरा नहीं मानेगा और ना किसी का बुरा होगा एक बार गुरु महाराज से पूछा गया कि महाराज सुभद्रा देवी चेतन लीला में क्या है महाराज बोले नहीं जानता हूं और नहीं जानता हूँ और अगर बोलूंगा तो स्वाभाविक है कि गलत ही बोलूंगा अतः बोलूंगा ही नहीं ठीक है तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने समझाया वैसे ही हमें समझाना चाहिए अगर नहीं समझ समझा सके अथवा नहीं समझ सके तो बेटर है नहीं समझा ठीक है उसमें चुप हो जाना चाहिए नहीं पता है बाद में बताऊँगा यस इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा हम्म इस तरह मतलब भगवान से यथावत सुन करके अगर नहीं तो फिर देखिए जैसे उस दिन एक प्रश्न आया था है ना के तात्पर्य से और गीता भूषण टीका से फिर दोबारा से मुझे पूछा गया लेकिन मैं अभी तक उस पर खुद कन्फर्म नहीं हो पाया हूँ तो मैं नहीं बताऊंगा जब तक मैं कन्फर्म नहीं हो जाऊंगा आई विल नॉट टेल है ना इस चीज का ध्यान रखते हुए करना चाहिए भाई हाँ ठीक है जब मैं समझ जाऊंगा तो मैं बता दूंगा ठीक है। यस। yes. दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमस से मुक्त हो सकता है हम्म ये दो बातें प्रपा जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं एक तो भगवत गीता का दर्शन ठीक से समझना है और समझने के बाद हाथ पे हाँ धर के नहीं बैठना है उसके बाद आपने क्या सीखा था सर्वविद भजतीमाम सर्वभावे न वह सब कुछ समझ रहा है कि मैं कृष्ण का कृष्ण भगवान है मैं सेवक हूँ इसको आचरण करना है कृष्ण के लिए सेवा करनी है हमें और फिर उसको हम सेवा करेंगे जीवन में तो अच्छा रहेगा नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा फिर समझ के क्या फायदा है ना इस चीज का बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझना पड़ेगा कि भाई हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करेंगे और ध्यान रखिए कृष्ण के लिए किया गया एक एक चीज कृष्ण ये नहीं देख रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति प्रवचन कर रहा है ये व्यक्ति मैनेज ही कर रहा है टेक्निकल डिपार्टमेंट और दोनों देख रहे कि ये सेवा तो कर रहा है मैटर कि क्या हम लोग मैं कहते हैं कि हम लोग इतने छोटे हैं ना कि भगवान देखते नहीं कि क्या कर रहा है कर रहा है दैट इज इनफ कर रहा है भगवान के बोले ये देख रहे हैं हाँ भाई ये कर तो रहा है ना बस उसके आगे नहीं देखते हैं इसीलिए अगर आप सब्जी भी काट रहे हैं कृष्ण के लिए अगर आप सब्जी भी काट रहे हैं कृष्ण के लिए तो बहुत सतर्कता से काटें कि यह कृष्ण की सेवा है और कृष्ण इसको देख रहे हैं प्रसाद बना रहे खाना मार रहे, बना रहे झाड़ू मार रहे एनी थिंग वॉट यू आर डूइंग केयरफुली करिए मैं देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है जब बड़ा केयरलेसी से करते हैं तो देख करके है ना? तो इन का ध्यान रखना चाहिए ध्यान रखिए एकदम कृष्ण एक एक चीज नोट करते हैं फोर्टीन कैमराज ऑन यस yes. भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है वहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमस नहीं रह सकता हम्म भगवान स्वयं ही भक्ति के हृदय से सारे ज्ञान को क्लीन कर देते नष्ट कर देते हैं। yes. भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। हम्म, भगवत भक्ति तथा भगवान स्वयं एक हैं। भगवान की शरण लेना है मतलब क्या करना है भगवान की भक्ति करना है भगवान की शरण लेना है भक्ति के अंगों का अनुशीलन करना है ध्यान रहे एकदम क्लियर हो कि श्रवण कीर्तन के द्वारा हम भगवान का आश्रय लेते हैं एकदम क्लियर ठीक है क्लियर होना चाहिए कि भाई भगवान का आश्रय का मतलब क्या होता है क्या होता है श्रवण और कीर्तन कृपा जी इसको बताते हैं कि भक्तों का संग मतलब श्रवण कीर्तन का आश्रय एक दूसरे से लिंक्ड भगवान का शरण लेना मतलब भक्ति करना भक्ति करना मतलब श्रवण कीर्तन करना और श्रवण कीर्तन करना मतलब भक्तों का संग करना मतलब आप देखिए प्रोसेस शुरू कैसे होता है भक्तों के संग में आए आप श्रवण कीर्तन किए श्रवण कीर्तन किए की तो भक्ति होने लगा और भक्ति होने लगा तो आप तो भगवान के शरण में आ गए समझ रहे हैं इक्वेशन क्या आपने ये चीज होते हुए अपने लाइफ में देखा है हाँ प्रियस प्रभु

ऐसे ही समझता था विश्वास करो मुझे जब मुझे पहली बार वाले मिले और बोले कि प्रभु जी इसको हरे कृष्ण महामंत्री ऐसे ही बोला मैं तो गायत्री मंत्र जब करता हूँ अरे कृष्ण महा ये तुम्हारे गाँव में कीर्तन ऐसे बोला गाँव में कीर्तन वीर्तन होते रहता उसमें है उसमें बचता है लोग गाते बीते रहते हैं मैं गायत्री मंत्र जब करता हूँ जानते आप सो so, ठीक है गायत्री मन करते हो के दैट इज डिफरेंट थिंग दीक्षित हूँ मैं गायत्री परिवार से एंड लेटर जब अरिपता चला रे बाप रे बाप वॉट इज दिस आप मतलब अब मैं मैं मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कब छोड़ा और कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला मुझे खुद पता नहीं चला है ना जैसे नारद जी कहते हैं ना कि भाई भौतिक शरीर से मुझे अध्यात्मिक शरीर कब पता प्राप्त हो गया मुझे पता ही नहीं चला वैसे ही मैं कब वहां से निकला यहाँ आ गया मुझे पता नहीं चला विश्वास करिए कुछ भी मुझे पता नहीं चला मैं ह भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहा हूँ टीचिंग कर रहा हूँ भगवदगीता पढ़ रहा हूँ हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहा हूँ आई डोंट नो हाउ इट्स एपन लेकिन होता है भक्तों के आश्रय से खड़ा था पकड़ के ले गया चलो छप्पन वो खिलाऊंगा गया प्रसाद खाया ओ माय गॉड इट्स सो टेस्टी दैट्स इट समझ रहे तो इस प्रकार से कभी भी आप भक्तों के संग में आ सकते हैं आ, कौन है महाराज एक जो कहते हैं कि भाई एक बार वह रोड पे उन्हें एक प्लेट खिचड़ी मिली थी बोलते उस एक प्लेट खिचड़ी का जीवन पूरा जीवन इस कौन को दे करके चुका रहा हूँ <laughs> मजाक करते कर <laughs> तो ध्यान रखना चाहिए और भक्त लोग भी बड़े दयालु होते हैं मैं गया था प्रसाद बोला श्याम गोबल प्रो थे वहाँ पे पूरा प्लास्टिक भर के प्रसाद दिया इतना प्रसाद दिया दो दिन तक खाते रहा फ्रिज में डाल डाल के ठीक है यस आगे पढ़िए भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है हम्म इसकी व्याख्या हमने पहले एक बार किया था कि जी भगवान को तब समझ सकता है जब वह भगवान की संवेद शक्ति और आह्लादनी शक्ति के संपर्क में होता है ठीक है जो कैसे बताया था मुझे वहां पे, है ना आह्लादनी शक्ति अगर जो मदद करती है व्यक्ति को भगवान के और करीब जाने के लिए और यह कब आएगा कब आएगा अहलादनी शक्ति कब आएगा बताओ बताओ कब आएगा भक्तों के में रहेंगे तब ठीक है भक्तों के संग में रहेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे तब भगवान यस भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है अज्ञान मतलब अविद्या जिसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं यस जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता हम्म एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर हम प्रमाणिक गुरु के निर्देश का पालन हम कर रहे हैं तो हृदय में ज्ञान अपने ही आप उदित होने लगता है भगवान प्रकाशित करते हैं और अगर आप अच्छे से जब कर रहे हैं तो भगवान एक एक कभी कभी विचार देते हैं अभी कि हम शरीर नहीं और कैमरे की फ्लैश की तरह है ना पहले तो फ्लैश भी नहीं होता था अभी कम से कम फ्लैश हो रहा है ना तो आ, आ, आज यह क्यों हो रहा है क्योंकि हम प्रपात जी की प्रपात जी और गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो भगवान हमें धीरे धीरे करके इस ज्ञान को देते हैं अच्छा एक छोटा सा प्रश्न है कि आप में से कौन दोबारा जन्म लेना चाहता है कोई नहीं लेना चाहता आप नहीं लेना चाहते हैं अनु माता जी आना चाहती हैं कि नहीं बताइए नहीं जान नहीं माता जी आना चाहती हूँ कि दुबई में रहती है जो क्या नहीं नो वन वॉन्ट्स टू कम ठीक है आप लोग समझदार हैं भौतिकवादी लोगों से पूछो क्यों नहीं लेंगे <laughs> तो जो भक्त अच्छे से साधना करते हैं ना उसे इतना तो पता चल जाता है कि भाई अब मुझे दोबारा जन्म यहाँ नहीं लेना है आगे भगवान की जो भी इच्छा हो अच्छा कभी ऐसा लगता है कि आप स्थान के हो ही नहीं कभी ऐसा अनुभूत होता है अनुभूति भी है तो जब इस प्रकार की अनुभूति अगर होवे तो सोचिए कि जब हम यहां की हैं ही नहीं तो इतनी डिग्रियां इतनी प्रसिद्धि इतना धन प्राप्त करके क्या करेंगे क्या अन्य सारी चीजें प्राप्त करके मैं सुखी नहीं हो हूं फील कर रहे हैं ना हम लोग ये सारी चीजें प्राप्त करके सुखी तो यह बात है अगर किसी के हृदय में हो उदित हो रहा है भाई मैं यहाँ का हूँ ही नहीं मैं शरीर नहीं हूं तो दिव्य ज्ञान उसके हृदय में आ रही है एक चीज आप देखिएगा आप भक्ति कर रहे हैं ठीक है नए हैं हम लोग आप भोगों में प्रवृत्त हो सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एक ज्ञान कूंदता है भाई ये मैंने शरीर के कार्य किए ये भक्ति के कार्य तो नहीं थे वो है कभी आप लोगों के साथ होता है आपने देखना कभी कभी होता है ठीक है, महसूस कर पाएंगे, जब हम भक्ति करते ना तो और नहीं तो फिर नहीं होता है नहीं होता है, है? पहले भी तो भक्ति के आप लोग भक्ति से पहले भी जीवन जीते होंगे ना और अभी भी जीते होंगे तो दोनों में अंदर पता चल जाता है भगवान करते हैं यस ये प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें किसके लिए भक्ति करे प्रसिद्ध बनने के लिए धन कमाने के लिए नहीं बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए ओके यस जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है ध्यान रहे जो भौतिकवादी लोग हैं वह एक दूसरे को बुद्धिमान कहते हैं नोबेल पुरस्कार भी दे सकते हैं लेकिन वह सब कुछ जानने वाले नहीं है yes. जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है आपने सीखा था ना सातवें वह कृष्ण के पास नहीं नहीं जाता है है या मैं नहीं बोल रहा हूं जो पापी होता वह कृष्ण के पास आ नहीं सकता है मैं यह बोल रहा हूँ कि जो पापी है वह प्राय भगवान के पास आता नहीं है भगवान मना भी नहीं कर रहे हैं कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो अभी तो वह तो ऐसा बोल रहे हैं कि तुम तुमने चाहे कितना भी पाप की हो मेरे पास आ जाओ मैं तेरा आ, मेरा आश्रय लेते ही तुम मुक्त हो जाओगे सर्वधर्मान परित छोड़ दो सब कुछ आ जाओ मेरे पास मैं कब आपसे मुक्त करा दूंगा लेकिन वह लेते क्यों नहीं है क्योंकि उनके हृदय में पाप है इसलिए भक्तों को बहुत जरूरत है कल मैं गया था एक बुजुर्ग दो बुजुर्ग बैठे थे आई थिंक अब तब दो साल चार साल पाँच साल भगवत गीता लेंगे नहीं अभी हम लोग के पास समय कहाँ है थोड़ा बोला तो बोला नहीं ठीक है जाइए बोले नहीं हम तो चले ही जाएंगे लेकिन आप कहाँ जाएंगे बस ऐसा बोलते मैं निकल गया सुझे अगर कुछ उनके माइंड में घूम जाए लेकिन कुछ नहीं घूमा वो दोनों अपने ही गप में रहे ठीक है तो अगर आप ऐसे गीता डिस निकलेंगे ना तो बहुत सारा कुछ आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे अरे बाप रे बाप देखो क्या स्थिति है ठीक <laughs> है तो पाप है लेकिन ध्यान रखना चाहिए भक्त लोग किसी भी प्रकार से कभी कीर्तन सुना करके कभी भगवान को प्रणाम करा करके कभी कृष्ण का प्रसाद समोसा खाएंगे समोसा हलवा खाएंगे हलवा बादाम खाएंगे कुछ दे दे करके उसको भगवान के पास आने के योग्य बना देते हैं आप बना सकते हैं दैट इज नॉट यस उसे समस्त कलमस समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है तभी वह समझ सकता है लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है हाँ वह नहीं चाहता है लेकिन भक्त लोग किसी भी तरह से अरे प्रसाद ले लो प्रणाम कर लो समोसा खा लो दे दे करके दे दे करके करके और संकल्प कर एक चीज और ध्यान रखिए केवल संपल संकल्प करके भी केवल संकल्प कर लिया ध्यान रहे किसी भक्त के हृदय में संकल्प हो रहा है कि काश भक्ति हो भक्ति करे भक्ति भक्त में आ जाए तो उसकी कुछ योग्यता नहीं है लेकिन वह भक्त बन जाते हैं उसको संकल्प आ रहा है तो मुझे याद है प्रपात जी किसी के विषय में तो भक्ति चारू स्वामी महाराज या फिर किनके विषय में तो सोचे थे कि यह बहुत बुद्धिमान है कहाँ से यह भक्ति में आ जाता और वह बाद में सन्यासी बन जाते हैं पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है किन के विषय में था लेकिन इस प्रकार से होता है ध्यान रखिए और भी प्रमाण है जैसे मृगारी कितना बड़ा पापी था लेकिन नारद जी का संकल्प हो गया भक्त बन गया वाल्मीकि जी कितना बड़ा पापी थे लेकिन नारद जी का संकल्प हो गया भक्त बन गए यस तो भक्तों की संगति में में कृष्ण भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए हम्म यह बहुत महत्वपूर्ण बात है भक्ति विनोद जी के टीका से प्रपा जी लिए है सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है एक मिनट कुछना, कुछना, हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे यस पढ़िए सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है hmm, बी वेर सावधान कृष्ण भूलिया जीव भोगवान भोगवांछा करे निकटस्ते माया तारे झपटिया दरे तो पहला पतन का मूल कारण है कि जीव भोग करना चाहता है और हमको इस बारे में बिल्कुल ही सचेत करना चाहिए कि हम लोग चर हैं क्या है क्षर है यानी कि भोग की इच्छा प्रकृति को भोगने की इच्छा जो है यह बीमारी हमारे हृदय में है और की भोग की भोग की इच्छा हमारे हृदय बहुत लंबे समय से है हमें सतर्क होना चाहिए समझ रहे हैं ना मेरी बात तो प्रयास करें कि हम अपने को ऐसे स्थान में ना रखें जहां पर इंद्र तृप्ति की व्यवस्था उपलब्ध हो बहुत अधिक से अधिक बाज कर रहना चाहिए समझ रहे हैं ना क्योंकि तो काफी संभावना है कि उस समय हमारा मन हमारी बात को नहीं मानेगा समझ रहे हैं मेरी बात इसलिए प्रपात जी कह रहे हैं बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात का आप लोग भी ध्यान रखिए बहुत ध्यान पूर्वक देख रहा हूं कि कुछ भक्त लोग चलिए आगे बढ़िए दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है भोग की इच्छा है मेरे हृदय में जब मैं भोग करता हूं तो उन वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता हूं जो मुझे भोग प्रदान कराती है और यह भावना आ जाती है कि यह वस्तुएं मेरी है इसको क्लियर हम देखेंगे अगले अध्याय में ठीक है संग्रह करते रहता है संग्रह करते रहता है संग्रह करते रहता है यहाँ वहां इतना बैंक बैलेंस इतना ये हो इतना हो खाएगा तो चार रोटी ही ना थोड़ा सा दाल ही ना ठीक है क्या आप यह जगत में मतवे नहीं देख पा रहे हो रहा है ना ठीक है भोग कर रहे हैं फिर वही भोग्य कर्म और फिर इस प्रकार आसक्ति का निर्माण होता है यह प्रपा जी कह रहे हैं, यस इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है इस अध्याय के प्रथम पांच श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम की विवेचना हुई है। जगत वृक्ष रूप में है के है, इसे काटना विराग से काटना है कहाँ से एक से पांच तक तो हुआ था और फिर वहां से फिर भगवान के बारे में बताया तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के पंद्रहवें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ जगत गुरु शिल प्रपात कीजय श्रीमद भगवद गीता यथारूप कीज गौर गोर हरि हरि बोल हरे कृष्णा ओके थैंक यू कुछ क्वेश्चन से हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा No. कम से कम सुन तो रहा है वाह तो अगर सुन रहा है तो उसे सुनाना चाहिए आज भी कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हरे कृष्ण मंत्र इस वाला वालों ने है इसलिए मत सुनो मैं भी बारह सालों से गोपाल सेवा कर रहा था पर आप सबसे जोड़ने के बाद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला यस भक्तों के संग मिलता है मेरे लिए मेरा माहौल भी ठीक नहीं लगता है अरे ठीक है मेरा <laughs> अरे सब लोग दुखड़े लो रहे हैं दो शक्तियों के बारे में बताया था हाँ आलादनी शक्ति और संवेद शक्ति ठीक है उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे यस कोर्स प्लीज डू इट यस ऋतिका माधवी यू कैन डू ओके सो थैंक यू और कोई प्रश्न है आप लोगों का नहीं है आज अंतिम है इस प्रकार से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंद्रवें अध्याय का बीसवा श्लोक कंप्लीट हुआ और श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति विधान स्वामी शिला प्रपात के द्वारा लिखित तात्पर्य भी पूर्ण हुआ अरे कृष्णा जगत गुरु शिला प्रपात की जय श्रीमद गीता यथारूप की जनिताय जैनिताय प्रेमानंदे हरि हरि बोल कल से अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम लोग सोलहवा अध्याय शुरू कर देंगे हरे कृष्णा